तो बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं विज्ञान पढ़ाने के लिए नहीं हुई प्रवक्ता की नियुक्ति। तो यहाँ पर देखते हैं कि 231 छात्र संख्या वाले स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज बदाया कोट का हाल। तो यहाँ पर देखते हैं बागेश्वर जो राजकीय इंटर बदिया कोट है, यहाँ पर जो है शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। विद्यालय में विज्ञान विषय के प्रवक्ता के पद खाली पड़े हैं और 6 पद जो है प्रवक्ता और 3 पद जो है सहायक एलटी के रिक्त होने से विद्यार्थियों की जो है शिक्षा पर असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं एलटी प्रवक्ता के पद काफी ज्यादा खाली हैं स्कूल में, और इसमें बताया गया कि 231 छात्र छात्रा यहाँ पर स्कूल में पढ़ती हैं, और यहाँ पर जो है अंग्रेजी संस्कृत रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान इन शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। और बताया गया कि विद्यालय में इंटरमीडिएट में 12 विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते हैं, और व्यवस्था के तौर पर जो है सहायक अध्यापक और यहाँ पर जो है स्मार्ट बोर्ड के ऑफलाइन शिक्षण सामग्री की मदद से जो है विद्यार्थियों को जो है विज्ञान जो है विषय पढ़ाया जा रहा है। और विभाग विद्यालय में जो है जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय के अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की, लेकिन दोनों शिक्षक ने जो है ज्वाइनिंग नहीं की। तो गेस्ट की भर्ती तो जीव विज्ञान और अंग्रेजी की थी, लेकिन दोनों ने ज्वाइन नहीं किया। और वहीं विद्यालय में बताया कि सहायक अध्यापक के 10 पद सृजन है, जिनमें से अंग्रेजी विषय के लिए अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की गई है। व्यायाम शिक्षक कला शिक्षा और विषय के लिए शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो इतने सारे शिक्षक खाली हो चुके हैं। शिक्षा का अधिकार लागू करने तक जो है मदरसों की सरकारी फंडिंग को रोके, तो आयोग का दावा और इन संस्थानों के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित। बताया गया कि यहाँ पर जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मदरसों के जो कामकाज की स्थिति पर जो है चिंता जताते हुए शिक्षा का अधिकार कानून का जो है पालन नहीं करने तक उनकी जो सरकारी फंडिंग हम रोकने के लिए आदेश जारी करे हैं। बद्रीनाथ धाम 17 नवंबर की रात 9 बजे बंद होने हैं। तो यहाँ पर देखते कि मात्र भूमि से जुड़ेंगे उत्तराखंड के प्रवासी सम्मेलन 7 को। तो पहली बार जो है सीएम धामी की जो है पहला प्रवासी उत्तराखंड के सम्मेलन जो है 7 नवंबर को किया जा रहा है इसके लिए। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों और कर्मचारियों ने कीर्तिनगर में दहन के एनपीएस का पुतला, तो एनपीएस को लेकर जो है मांग चली हुई है, इनका पुतला जो है दहन किया गया है। शिक्षकों की मेहनत से 8 से 104 पहुंची विद्यालय के छात्र संख्या। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये देवप्रयाग का अपडेट है, जिसमें बताया गया कि अच्छी पढ़ाई देख अभिभावक निजी स्कूल को छोड़ सरकारी विद्यालय में बच्चों को दिला रहे प्रवेश। तो यहाँ पर देखते हैं कि अध्यापक विजय रावत इनकी वजह से, बताया गया कि यहाँ पर इनकी शिक्षक की मेहनत की वजह से 104 विद्यार्थी संख्या यहाँ पर पहुंच चुकी है और लगातार यहाँ पर बढ़ रही संख्या। और साथ ही यहाँ पर बच्चे अभिभावक जो है बच्चों को अपने प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डाल रहे हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन करने की मांग, तो राजकीय शिक्षक संघ ने प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर अर्धवार्षिक परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन करने को कहा है। 21 से 30 अक्टूबर तक अर्धवार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया गया है। 29 को धनतेरस पर्व होने और राज्य के अंतर्गत अधिक दूरी तक आवागमन की समस्या को देखते हुए 29-30 को होने वाली परीक्षा तिथि में संशोधन करने की मांग की है। छात्र संख्या शून्य होने पर 3 स्कूलों पर लगे ताले। तो यहाँ पर देखते हैं कि दमगड़ा और बंजारी फॉर्म और उई, यहाँ पर जो भी शिक्षा विभाग के प्रयास विफल, और बताया कि खटीमा जो है शून्य छात्र संख्या के चलते खटीमा विकास खंड में 3 सरकारी स्कूल बंद हो गए। तो सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं 3, छात्र संख्या शून्य होने की वजह से। और यहाँ पर बताया गया प्रवेश मिशन प्रवेश समेत जो है विभाग शिक्षा विभाग के कई अभियान के बावजूद स्कूलों में जो है प्रवेश के लिए बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में जो है इन स्कूलों को दोबारा संचालन होने की उम्मीद कमजोर पड़ने लगी है। तो ये स्कूल बंद हो चुके 3, इसमें ये 3 बंद कर दी छात्र संख्या शून्य होने की वजह से। शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे ब्रिज कोर्स वाले अभ्यर्थी। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड के अब ब्रिज कोर्स अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे प्राइमरी लेवल में। इसके लिए अमान्य करते हुए जो है प्राइमरी शिक्षा जो संशोधन वाले हैं उसमें इनको अलाउ नहीं किया गया है, तो इस वजह से ये लोग बाहर हो चुके हैं। उत्तराखंड में नौकरी लगी तो 24 ने दूसरी भर्ती छोड़ी। तो यहाँ पर देखते हैं कि 22 नए अभ्यर्थियों को मौका, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की एक भर्ती से जो नौकरी मिलने के बाद 24 अभ्यर्थियों ने दूसरी भर्ती छोड़ दी है। वहीं स्नातक स्तरीय भर्ती में दोबारा बुलाने पर भी
आने पर रिक्त पदों की सापेक्ष 22 नए अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। तो बताया गया कि जेई बनने वाले अभ्यर्थियों ने छोड़ दी मानचित्रा का प्रारूपकार भर्ती। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड में जेई भर्ती वाले अभ्यर्थी 24 अभ्यर्थी आवेदन करने के बाद मानचित्रा का प्रारूपकार की भर्ती छोड़ दी, और इन सभी ने जो है आयोग को इस संबंध में पत्र और ईमेल के माध्यम से भेजा है। और आयोग के सचिव जो कि गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 24 अभ्यर्थी ऐसे सामने आए जिन्होंने जो है बताया कि उनका चयन जो है उत्तराखंड के सम्मिलित राज्य कनिष्क अभियंता परीक्षा में हुआ है, और इस कारण जो है अभ्यर्थी जो है मानचित्रा का प्रारूप का भर्ती में निरस्त किया जाए, इसको लेकर ज्ञापन आया था उनके पास। तो इस वजह से यहाँ पर जो है इनकी नौकरी लग चुकी है। और राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा था परीक्षा से बाहर करने संबंधी पत्र। अभ्यर्थियों ने राज्य लोक सेवा से बाहर मतलब परीक्षा से बाहर करने के लिए अपना जो पत्र था भेजा हुआ था। और वहीं स्नातक स्तरीय भर्ती में जो है 2 बार बुलाने पर भी नहीं आए अभ्यर्थी। तो 2 बार बुलाने पर अभ्यर्थी नहीं आए हैं। 18 अक्टूबर को आयोग के कार्यालय में होगा अभिलेख सत्यापन। तो अभिलेख सत्यापन फिर से 18 तारीख को होना है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में जो यहाँ पर अभिलेख के लिए बुलाए गए थे लेकिन अनुपस्थित रहे थे, अब उनकी जगह पर जो है 22 नए अभ्यर्थियों को जो है बुलाया गया है। तो उनकी जगह पर नए अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और इनका अभिलेख सत्यापन 18 तारीख को होना है। इनकी थर्ड वेटिंग लिस्ट इनके द्वारा यहाँ पर निकाली गई हुई है। ऐसे में जो है यहाँ पर जो स्नातक स्तरीय भर्ती है इसमें सहायक समाज कल्याण अधिकारी, BPDO, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अन्य पद यहाँ पर रहे हुए थे, जिसका यहाँ पर परीक्षा 31 दिसंबर 2023 को कराया गया था। और वही बात करें यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जो है तैनाती का कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। तो 2354 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से चतुर्थ कर्मचारी की भर्ती होनी है। ऐसे में जो है यहाँ पर कैबिनेट में इसका प्रस्ताव करने की बात करेगी, उसके बाद ये भर्ती निकाली जाएगी। और साथ ही यहाँ पर जो है 87 जो शिक्षक है कर्मचारी हैं उनको नोटिस सभी किया जा सकते हैं बर्खास्त, तो सभी को बर्खास्त किया जा सकता है 87 जो शिक्षक हैं। और इसमें बताया कि 67 अध्यापक हैं, 20 कर्मचारी चल रहे हैं अनुपस्थित, जवाब दे रहे ना तैनाती पर लौट रहे हैं। तो ना ही आप जवाब दे रहा पा रहे हैं, ना ही आप तैनाती पर लौट रहे हैं। तो यहाँ है गैर हाजिर कहाँ पर कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज जारी किया गया है। और अब इनकी बारी बर्खास्त होने की हो सकती है क्योंकि इनका जवाब नहीं आया नोटिस जाने के बाद भी। हो सकता है कि कहीं अन्य जगह नौकरी कर रहे हो या अन्य कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से अब इनको बर्खास्त करने की बात करी, काफी लंबे समय से यहाँ अनुपस्थित चले हुए हैं। और चतुर्थ कर्मचारी की भर्ती जल्द से जल्दी आपको आने वाले हैं कैबिनेट में। 4 जिलों में क्लस्टर विद्यालय का चयन। तो यहाँ उत्तराखंड के कुछ विद्यालय में को क्लस्टर विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना है। ऐसे में 1 साल पहले इस तरह के विद्यालयों के चयन के निर्देश दिए थे, लेकिन 4 माह जो है विद्यालय 4 माह मात्र जो है बताया गया कि जिलों में इनका जो है चयन हो पाया है। और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आर के उनियाल के मुताबिक हरिद्वार को छोड़कर अन्य सभी जिलों में जो है इन तरह के विद्यालयों का जो है चयन किया जाना है, ऐसा कहा गया है। बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर। उत्तराखंड के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है आवेदन तो 3306 पदों पर आवेदन करने के लिए बोला गया है, और इसके 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। SFIO में 43 पद निकाले गए, हिंदुस्तान CPR लिमिटेड में 57 पद निकाले गए हैं, और पटियाला रेल इंजन में कारखाना में 90 पदों की भर्ती निकाले गए हैं। IIT भिलाई में जो है 16 पद निकाले गए हैं, WCC में निकाले गए 12 पदों की भर्ती। अन्य पद देख सकते हैं, इन पर भी ट्राई कर सकते हैं।